तक है फ्रेमिंग आपका? हाँ जी, कहाँ तक है फ्रेमिंग? बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका। बहुत दिनों के बाद आज आपके दर्शन हुए। अब तक हमने आपको लाइक फिल्मों में देखा था, आप हमारे सामने हैं, तो बताइए आपका म्यूजिक वीडियो भी आ रहा है जी। माँ ओ माँ, क्या फील करती हैं आप? पहले तो ये जानना चाहेंगे कि इंडस्ट्री में अगेन कम बैक करके बहुत सारे लोग आपसे सवाल पूछे होंगे जी जी, तो बताइए कि कैसा फील कर रही हैं आप? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कुछ बहुत पुरानी चीज फिर से आपको मिल जाती है तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे लिए तो प्रिविलेज मोमेंट है कि आप अगेन हमारे इंडस्ट्री में लौट कर आई हैं जी। सो कुछ, थैंक यू सो मच। कुछ जरा इस गाने के बारे में बताइए, माँ ओ माँ के बारे में जी। गाना बहुत अच्छा है, लिखा बहुत अच्छा है, और जो इस गाने के डायरेक्टर हैं मिस्टर साजन अग्रवाल, लिखा भी उन्होंने ही है। बिल्कुल, और बहुत ही प्यारे इसके वर्डिंग है। अभी तो गाना सिर्फ लिखा है और रिकॉर्ड हुआ है, तो बहुत सुंदर गाना लग रहा है सुनने में। अभी जब शूटिंग होगी तब आपको हम बता सकते हैं कि कैसा लग रहा है। शूटिंग के बाद ही मतलब रियल उसका फील कैसा है वो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। सो हम ऐसा देख रहे हैं मैडम, 90s जब आप फिल्मों में काम करती थी तब के टाइम पे म्यूजिक वीडियो बहुत हिट हुआ करते थे। नाउ बीच में एक ऐसा टाइम आया, मुझे ऐसा लगता आप चली गई इंडस्ट्री से, तो हमारे म्यूजिक वीडियो का भी दौर चलेगा। नाउ आप अगेन आई है तो फिर से म्यूजिक वीडियो का टाइम चल रहा है, तो इसलिए आपने ये प्रोजेक्ट चूज किया माँ ओ माँ, या कोई खास वजह? नहीं, कोई भी खास वजह नहीं थी, बस अचानक उन्होंने मुझे ऑफर किया साजन जी ने कि चलो कुछ करते हैं साथ में, और ये गाना इतना अच्छा लिखा है आप करेंगे, मैं आपके लिए सोच के लिखा है। तो वो गाना इतना अच्छा था कि मैं मना नहीं कर पाई, बहुत अच्छा लगा मुझे भी कॉन्सेप्ट। और अगर कम बैक करना है तो गाने से अच्छा क्या चीज़ हो सकती है। बिल्कुल, एक गाना कर लें तो अच्छा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, एक पता भी चल जाता है क्या माहौल है क्या है, सब कुछ है। एक सिंपल सी छोटी चीज़ करें तो बेटर है। सो अब क्योंकि आप लौट कर आई हैं तो कितना कुछ चेंज देख रही है हमारी इंडस्ट्री में, एंड बहुत बदलाव तो बहुत है, हर चीज़ में है, मतलब हर चीज़ में और फॉर बेटर जी। एंड हमने लाइक बचपन में आपकी फिल्में देखी थी जी, राम तेरी गंगा मैली हो गई, नाउ वो देखने के बाद अब हम लाइक आपको देख रहे हैं, तो क्या हम ऐसा माने कि ऐसी बैक टू बैक हम आपको और फिल्में देखेंगे? जी बिल्कुल, देखिए अब डिपेंड करता है, अगर अच्छी मूवीज़ मिलेंगी, अच्छी स्क्रिप्ट है तो काम करने में भी अच्छा लगता है। बिल्कुल, तो अच्छी स्क्रिप्ट मिलती रहेंगी तो काम करते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे इंडस्ट्री में हम देख रहे हैं कि ढेर सारे नए एक्टर आ गए हैं जी, कि एक्टर की बात करें, फीमेल एक्टर की बात करें, इन दिनों कोई ऐसी फिल्में देखी आपने जो आपको बहुत पसंद आई? देखिए मूवीज़ तो हम सारी देखते हैं, अब तो बहुत अच्छी बनने लगी है मूवीज़, तो कभी जब वक्त मिलता है तो देखते हैं, सारी तो नहीं लेकिन हाँ कुछ ना कुछ तो देखते ही, पर बहुत अच्छी लगती है। और मैं यही कहना चाहूँगी कि मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं, आज जो बनते हैं जो कंटेंट है बहुत अच्छा है। तो इन दिनों कौन सी फिल्में आपने देखी जो आपको बहुत ही पसंद आई हो? अभी फिलहाल बहुत कम मूवीज़ देखी हैं तो मैं इतना कुछ बता नहीं पाऊँगी, पर ये इतना ज़रूर कहूँगी कि हाँ मूवीज़ बहुत अच्छी बनती हैं जितना भी देखते हैं। बिल्कुल, एंड फिल्म के अलावा हमने देखा OTT प्लेटफॉर्म भी अब आ गए हैं, ढेरों सारे OTT प्लेटफॉर्म हैं, तो इनको कैसे देखती हैं आप? एंड ये बहुत अच्छा है, बदलाव आया है, आपके टाइम पे ये ऐसे प्लेटफॉर्म नहीं थे, थोड़ा डिफरेंट अंदाज में ये सारे प्लेटफॉर्म आए, आपको अपनी फिल्म थिएटर में रिलीज करनी है थिएटर में कीजिए, OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज करिए OTT प्लेटफॉर्म पर कीजिए, कैसे देखते हैं आप? आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आपने सब्सक्राइब, आप बताइए। मैं बहुत अच्छा हो गया ना, अभी प्लेटफॉर्म बन गए हैं तो इजी हो गया है लोगों के लिए, सबको काम मिल रहा है, सबको अपना जो लोग ऐसे थे जिन्हें बहुत सालों से काम नहीं मिल रहा था उन्हें भी काम मिल रहा है, तो ये सभी के लिए अच्छा है, बिजी हो गए हैं सब।
अपनी पसंद की चीज़ें बना पा रहे हैं, दिखा पा रहे हैं, सेंसर का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता इसमें ज़्यादा। तो आई थिंक अच्छा है, बेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है। अगर इसमें लोग अच्छी चीज़ें बनाएं दिखाएं तो बहुत ही अच्छा है, जो कि होता ही है नॉर्मली, अच्छा ही बनाते हैं। बेटे के साथ आप इस बार आ रही हैं, अगेन हम आपको देखने वाले हैं, तो कुछ पता है कि कितनी एक्साइटेड हैं आप बेटे के साथ आप आ रही हैं, और किस तरह से हम देखेंगे माँ को लेकर? जी मैं तो खैर पहले बहुत काम कर चुकी हूँ, अभी मुझे सारा जो भी एक्साइटमेंट है वो अपने बेटे के लिए है। बस अब मैं यही चाहती हूँ कि बहुत अच्छा करेगा वो, मुझे पूरी उम्मीद है। और जैसे लोगों ने मुझे प्यार दिया ऐसे उसको भी प्यार दें, उसका भी काम पसंद करें, और बस अच्छे काम आते रहे, हम अच्छा काम करते रहे, लोग देखते रहे। बिल्कुल बिल्कुल। पहले मैडम हम देखते थे कि लव स्टोरी ज़्यादा आती थी जी, जितना आपको तो हमसे ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में हम देख रहे हैं कंटेंट पर लोग ज़्यादा बिलीव कर रहे हैं, स्टोरी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वही तो होना चाहिए। जी बिल्कुल। सो कुछ कहना चाहेंगे कि पहले के टाइम पे भी ऐसे ही बातें चलती थी कि सिर्फ और सिर्फ हमें लव स्टोरी देखने को मिलती है, जबकि हमें, आप बताइए कि उस टाइम में ऐसी कुछ बातें चलती थी कि नहीं, लव स्टोरी के आगे भी हमें बाहर निकल कर ऐसा कुछ हम लोगों को ज़्यादा इस मैं बोल नहीं पाऊंगी, क्योंकि हम लोग मूवी साइन करते थे, स्टोरी सुन के करते थे, अब वो क्या बात कर रहे हैं या क्या सोच के, ये हमें उतना पता नहीं होता था। हमारा काम होता था जाके काम करो और अपना काम खत्म करके निकल जाओ, इतना ही होता है एक आर्टिस्ट का काम, जाता है शूट करता है और निकल जाता है। और उस वक्त इतना डिस्कशन होता नहीं था, इतना ओपन था नहीं कुछ, तो बहुत मुश्किल होता था। टाइम की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बस एक आखिरी सवाल की, कुछ पहले के जो वेटरन एक्टर कुछ अभी हमारे साथ हैं जी, कुछ नहीं है तो जो है लाइक मिस्टर अमिताभ बच्चन जी, जी जी अभी भी वो वर्किंग है जी, जब जी किसी को फोन करके तो हम बहुत ही मिस करते हैं जी जी, देवी जी को बहुत ही मिस करते जी जी। सो किसी वेटरन एक्टर के साथ में अब, क्योंकि आप आई हैं, इस तरह के सवाल आपको पूछे जाएंगे कि वेटरन एक्टर के साथ में आप काम करने की ऐसी कोई इच्छा है या आप काम करना चाहती हैं? जी अभी इच्छाएं तो बहुत होती हैं, हाँ, लेकिन धीरे धीरे ही करके सब पूरी होंगी, पहले चीज़ हो जाए उसके बाद देखेंगे कैसे करना है क्या करना है। एक और आखिरी की, क्योंकि आप बहुत सालों के बाद मिली है इसलिए बहुत सारे सवाल हैं, हमारी इंडस्ट्री हम देख रहे हैं कि बहुत कुछ बदलाव आया है, नेपोटिज्म की भी बातें अब आने लगी हैं, आप कैसे देखती हैं नेपोटिज्म में, कितना बिलीव करती हैं? मैंने पढ़ा नहीं इसके बारे में ज़्यादा, थोड़ा बहुत सुना था ना, मैंने इतना ध्यान भी नहीं दिया है, और इसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगी एक्चुअली। अच्छा, ओके। चलिए जाते जाते ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे जिन्हें आपके आपकी फिल्मों का, आपके म्यूजिक वीडियो का, आपके जो फैन है उन्हें बेसब्री से इंतज़ार रहता है जी, कुछ कहेंगे ऑडियंस के लिए? बस ऑडियंस के लिए यही कि हमारा काम देखते रहें, हमें पसंद करें पहले की तरह, पहले वाला प्यार दें हमें। सर आइए इस तरह, मैम लुकी मैम लुकी सर सर आपके सामने रमेश भाई जाओ, अरे आज जल्दी आ जाओ रमेश भाई, एक मैडम एक से अभिषेक
आगे जाके दोबारा कटवाना पड़ेगा भाई, इसको मिला नहीं, हमको मिला नहीं, अभी दोबारा कटवाना पड़ेगा। फीता जल्दी कटवा दिए, अरे फीता जल्दी कटवा दिए भाई। अच्छा लोग खड़ा करो, लोग मैम आप सामने देखिए, मैम सामने लगा दीजिए आप, जाकिर सर मैम मैम सामने सामने आराम से दो दो ग्रुप में कर लेते हैं, टेंशन मत लो, दो दो ग्रुप कर लेते हैं, जिनको पहले मिल जाता है। आराम से देखो, ये टेंशन मत लो, सबको मिलेगा, सबको मिलेगा, सबको। अभी देख मैं बस 2 मिनट, फोटो के बाद दो दो क्या जी, आप ऊपर से लोगे क्या? थैंक यू, चलो चलो सर, हो गया ना, अभी जिसका एक ग्रुप में हो गया, चलो आ जाओ सेकंड ग्रुप, जल्दी सर मार लो बड़ा, क्योंकि और भी लोग हैं। ओके सेकंड ग्रुप, चलो चलो राजा दो दो बार लेगा, हो जाएगी डायरेक्ट, होती है पे ताकि हो जाए, हट जाओ तू कर ले रहा है राजा, तू नहीं, हेलो राजा कितना इसका हो गया, आ जाओ हो गया जफर भाई, अभी इनको पीछे वालों को दे दो ना, मेरे ब्रेन में कुछ नहीं आ रहा है, मैं लाइव बंद करना यार, ये भाई तेरा लाइव बहुत राजा लाइव बंद, बहुत हार्ड है संजय भाई, इसको इधर मैडम के पास पूरा पूरा दरवाजा खोलो, दोनों लेके अरे गिर जाएगा, पीछे बोलो पकड़ के रखने के, मैं सामने
मैडम जी, मैडम जी मैडम जी मैडम जी आप मंदा जी यहाँ पर मैम यहाँ पर देखिए प्लीज दो मिनट रुक जाओ मैम आपके सामने यहाँ पे मैडम आपके सामने पंचालिंगल ये कौन सा एंगल गुरु जी आप आ जाओ साजन सर साजन सर आपको बुला अरे पीछे थोड़ा ओके हो गया हो गया हो गया वीडियो बाइट मैडम सेंट्रल रूम थोड़ा पीछे लेना शुरू करूं मैडम कैसा लग रहा है 30 साल बाद वापस कैमरे की शक्ल साइलेंस साइलेंस हां जी थर्ड प्लीज अच्छा लग रहा है और क्या कुछ बदलाव आप देख रहे हैं एक लंबा एक अरसा बीत चुका है तो क्या कुछ आपके जमाने तब क्या था और अब क्या कुछ बदलाव आपके हिसाब से क्या क्या किस तरह के बदलाव देख रहे हैं अच्छा है बदलाव भी अच्छा है काम करेंगे उसके बाद बताएंगे अभी तो स्टार्ट नहीं किया तो एक बार काम हो जाए उसके बाद बता सकते हैं कि काम करके कैसा लग रहा है क्या क्या बदलाव है अच्छा ये जो गाना है माँ हो माँ उसके बारे में जरा कुछ बताएंगे आपने सुना होगा आपका क्या रिएक्शन है और क्यों हाँ कही इसकी कोई वजह होगी गाना बहुत अच्छा है हाँ तो बोलना ही है ना बोलने की कोई वजह नहीं है अपने आप में गाना बहुत सुंदर है बहुत प्यारा गाना है आपने 30 साल का इंतजार करवा दिया अपने फैंस को वापस से कम बैक करने के लिए इसके लिए क्या कहेंगे आप काफ़ी लंबा इंतजार करना पड़ा जी इसके लिए तो अभी अभी तो फिलहाल कुछ नहीं कह सकती अच्छा इस दौरान आपको ऑफर्स तो आती रही होंगी जी तो इस ऑफर के लिए हाँ कहने का और बाकियों के लिए ना कहने की कोई वजह होगी Why you said yes to this particular order of Mr. Sajanagar? Offers आ रही थी लेकिन मुझे पसंद नहीं थी तो इसलिए उनको हाँ नहीं बोला था और ऐसा नहीं है कि मतलब कोई स्पेशल रीजन से हाँ बोला है क्योंकि मैं इनको जानती हूँ सालों से एकदम फैमिली जैसा रिलेशन है इनके साथ तो बस यही एक रीज़न हो आपकी माइलस्टोन फिल्म राम तेरी गंगा में आपको नवजात शिशु की माँ के रूप में प्रस्तुत किया गया था यहाँ भी आप माँ हैं तो ये माँ का कनेक्शन के बारे में जरूर कुछ कहना चाहेंगे आप आई थिंक ये सबसे अच्छा एक फीलिंग होती है मदरहुड की जो फीलिंग है जो एक रिलेशन होता है बच्चे के साथ एक माँ का सबसे प्योर और सबसे अच्छा रिलेशन है तो इसके लिए तो जितना भी लंबा हम बोले कम होगा सभी जानते हैं इस चीज को इस एल्बम के बाद आपके लिए बॉलीवुड के और नए दरवाजे खुल जाएंगे जी तो आपने कुछ दिमाग में सोच रखा नहीं जी अभी मैंने कुछ भी नहीं सोचा मैं सिर्फ ऐसे ही फ्री होके अभी सिर्फ ये स्टार्ट कर रही हूँ अभी इसके बाद कैसे मुझे क्या करना है वो बाद में सोचूंगी मनु भाई लेकिन मैंने सोचा है हम लोग एक शॉर्ट फिल्म भी कर रहे हैं जाकिर भाई और
और बी टाउन की कहानी है, हम सब लोग बी टाउन के हैं, जाकिर भाई भी मेरठ से हैं, मैं भी मेरठ से हूँ, मैम भी मेरठ से हैं, तो और आप मुझे जानती हैं इतने साल से मैं करता रहता हूँ कुछ ना कुछ, तो ये शॉर्ट फिल्म भी हम जल्दी शुरू कर रहे हैं और ये हमारा अपना प्लेटफॉर्म आ रहा है फिल्मी क्लैब ओटीटी हम ला रहे हैं जिसमें सिर्फ शॉर्ट फिल्म आएंगी 18-18, 20-20 मिनट की और अपना ही म्यूजिक चैनल ला रहे हैं हम लोग फिल्मी क्लैब देसी म्यूजिक। तो उसके अंदर भी बनता गिर के माँ की भूम होंगे? हाँ माँ की भूम होंगे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और फैमिली ड्राम सर हस्बैंड का किरदार कर रहे हैं। ओके ओके सर, कैसा अपने फील कर रहे हैं एक आइकॉनिक एक्ट्रेस के साथ अपना फ्रेम शेयर करना? हाँ जी हाँ जी, वो तो फीलिंग बहुत ही अच्छी होती है। जब इनकी फिल्म रिलीज हुई थी मैं कॉलेज में पढ़ता था और हम कॉलेज से गए थे देखने, काफ़ी टिकट विकेट नहीं मिली थी और बहुत ही उम्दा कलाकारा हैं और काम करती हैं, तो साथ स्क्रीन शेयर करना और काम करना बहुत ही एक्सपीरियंस वाली बात है और सीखने वाली बात है। सर एज ए प्रोड्यूसर इनकी वापसी के लिए क्रेडिट आपको दिया जाना चाहिए, कैसे फील करते हैं? आफ्टर ऑल देखो इनके दिमाग में तो रोज नए ख्याल आते होंगे, बट इट इज यू हु हैव अपने मेड इट प्रैक्टिकल और मेड इट पॉसिबल, तो सर इस क्रेडिट के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मतलब ये है कि गुरुजी बोलते हैं, हम लोग मित्र हैं हमारे, बहुत पुरानी दोस्ती है मेरी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि कुछ ऐसा करते हैं कि इतना कंपटीशन हो गया है, छोटी चीज़ें हम अच्छा जो सोचते हैं, पन्नू भाई आप तो जानते ही हो कि रिलीज़ करना फिर ये सब जो बड़े, तो हमने प्लान किया कि हम अपना ही कंटेंट बनाएंगे और अपने ही प्लेटफॉर्म पे डालेंगे। तो मैम के साथ मेरा पुराना रिलेशन है, इतने साल से फैमिली रिलेशन है, हम मिले थे इवेंट के लिए तो बात आई कि कुछ करना है, तो मेरे दिमाग में एक गाना, बहुत साल से मैंने एक गाना और लिखा था माँ तेरे जैसा बोलो राम में, दूसरा गाना अम्मा की बोली जो है उस पर है MX पे, उसमें भी मेरे गाना एक था जो सुहानंद जी ने गाया था, तो ये गाना मेरे बहुत दिन से था, तो मैम और उनके बेटे को मैंने ध्यान में रखे, मैम के बेटे ही हैं, इन्हीं को साथ में लॉन्च करा। अच्छा ये भी साथ में जी है। जी जी जी। How do you feel sharing your screen with your mother? आपने मम्मी की फिल्में देखी होंगी और कभी सोचा नहीं होगा या सोचा था कि मम्मी के साथ मैं अपने स्क्रीन शेयर करूंगा, कैसा लगा? जरा प्लीज आप आ जाइए, अब मम्मी के पास में आ जाओ ना। मैंने एक्चुअली ज़्यादा मॉम बचपने में मॉम की मूवीज़ देखी नहीं, हाँ जी हाँ, क्योंकि मुझे नहीं होता था देखने के, आई वाज अ किड एंड आई यूज़ नॉट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि ये मूवी है एंड यू नो शी इज़ जस्ट एक्टिंग, तो आई यूज़ टू नॉट लाइक के कोई भी विलेन और ये सब, तो मैं उस वजह से बचपने में कोई मॉम की मूवीज़ देख ही नहीं पाया। तो रिसेंटली अभी मैंने शुरू किया वापस से यू नो देखना टू सी अबाउट, एंड वैसे भी आजकल की जो मूवीज़ हैं इतनी एडवांस हो गई है, बेटर हो गई है, हाँ, सही बात है। तो जो बच्चे हैं, जो आज की जनरेशन है, वो 20 साल पहले की मूवीज उतनी पसंद नहीं करते हैं, फ्रेंकली स्पीकिंग, उनके लिए आउटडेटेड चीज हो जाती है, आउटडेटेड सी है, और बहुत कम मूवीज हैं जिन्हें आप देख के मतलब आज भी देख के पसंद कर सकते हैं। नॉर्मली वो मूवीज देखते हैं तो हमें भी थोड़ा अजीब लगता है, बिकॉज चेंजेस आ गए हैं ना मेकिंग में हर चीज में। अच्छा एक होता है कि भाई फिल्मी बेटों के साथ काम करना, एक होता है रियल बेटे के साथ काम करना, वो कैसा आप फील करती हैं? अभी मैं काम करूंगी इसके बाद फील होगा ना, कहीं कहीं कैसे पन्नू भाई मैं बताऊं, मैं भाई को मिला था तो हमारी काफी 1-2 घंटे की मीटिंग थी, तो उनके थॉट्स जो वो आज सिनेमा देख रहे हैं जो हॉलीवुड बॉलीवुड का, वो सब बातें डिस्कस हुई, बहुत अच्छे एक्टर हैं, बहुत मेहनत करते हैं, क्लासेस भी कर रहे हैं और अपने हिसाब से कर रहे हैं, तो मुझे लगा कि इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, एक केमिस्ट्री ऑलरेडी माँ बेटे की बनी हुई है, और सोनल को मैं इनकी बेटी के लिए ला रहा हूँ क्योंकि माँ का गाना है, तो दो बच्चे हैं और एक सिंगल मदर की कहानी है ये, तो इस म्यूजिक वीडियो में आपको अलग, और हम इसको मदर्स डे पे रिलीज करेंगे 15 दिन बाद। सोनल बंदा कह रही है जैसी खूबसूरत माँ को पकड़ कैसा महसूस कर रही है? जब आपको कहा गया कि you are playing this role, what was your first reaction, first feelings कैसी? I really like her and she's very beautiful, like we all know. So मैं बहुत ज़्यादा excited थी, मैं बहुत खुश थी, you know, कि I'm working with her. Thank you. एक मैं चाह रहा था कि गिटार पे जो गाना है वो गाना थोड़ा कदमों में तेरे में रहूं बस ये मन्नत है, कदमों में तेरे में रहूं बस ये मन्नत है, आ चल तेरा माँ मेरी तो जन्नत है, आ चल तेरा माँ
तो मेरी किस्मत तेरे कदमों के निशा ओ माँ मैम यहाँ पे मैम सॉरी फुल फ्रेम नहीं मिल रहा ये अभी थोड़ा पीछे आना अभी पीछे आना रोहित पीछे मैम थोड़ा सा इधर आ जाने फुल फ्रेम नहीं मिल रहा है और पीछे आना फुल फ्रेम नहीं मिल रहा है सेंटर मैम सेंटर सेंटर बहुत मैडम सेंटर थैंक यू मैम चलो वन टू वन बाय वन टू वन बाय अभिषेक रोहित उसको जाके बोल किसको वन टू वन कहाँ है और कैसे भाई नहीं आ रहा है ना भाई जरा काम के तो आ जाना नहीं चल रहा है कौन बुला रहे हैं? बुला रहे हैं।